किताब पढ़ना हमें अकेले में विचार करने की आदत और सच्ची खुशी देता है। नमस्कार, मैं सोहम कदम, कक्षा 8वीं ब का छात्र, आज आपके समक्ष पुस्तक समीक्षा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह पुस्तक प्रकाश मनु जी के द्वारा लिखी गई है एवं इसे प्रकाशित किया है सस्ता साहित्य मंडल प्रकाशन के द्वारा। किताब का मूल्य है 230 रुपये एवं इसके पृष्ठ है 108। जाने माने बाल साहित्यकार प्रकाश मनु जी की पुस्तक खिलौनों की दावत बच्चों की खेलकूद, शरारत, साहस और उत्साह भरी दुनिया से जुड़ी कहानियों द्वारा उनकी जिज्ञासा और सामाजिकता का विस्तार करती है। आजकल टेक्नोलॉजी के प्रभाव दबाव के चलते बच्चों की पढ़ने की आदत प्रभावित हुई है और वे टेलीविजन, टैबलेट, मोबाइल आदि के स्क्रीन के प्रति ज़्यादा आकृष्ट हुए हैं, नहीं कि किताबों के। लेकिन दृश्य माध्यमों की यह सीमा है कि वह मन को आकर्षित तो करते हैं किंतु दर्शक की विचार और कल्पना शक्ति को उस तरह जागरूक नहीं कर पाते जैसे लिखित शब्द करता है। किताब पढ़ना मनोरंजन और मानसिक विकास दोनों को ही संभव बनाता है, इसलिए अच्छी बाल पुस्तकों का महत्व कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ा ही है। यह पुस्तक में ऐसी प्यारी प्यारी नटखटपन से भरी कहानियाँ हैं जो दूर से हाथ हिलाकर हमें अपने पास बुलाती है ताकि जल्दी से हमारी उनसे दोस्ती हो जाए। फिर तो वे हमें साथ लेकर ऐसी अजब गजब रंगों भरी दुनिया की सैर कराने के लिए निकल पड़ती है। यह पुस्तक ऐसी है जिसे एक बार आप पढ़ोगे तो बार बार आपका मन इस कहानियों की दुनिया में लौटने को करेगा। मैं आप सभी से यह निवेदन करना चाहूँगा, आप भी इसे पढ़ें और अपने दोस्तों को भी इसे पढ़ने का अनुरोध करें। धन्यवाद।